अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे इस लेक्चर में आप मिस्टर चिप्स चैप्टर टू के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर वन है वेयर वॉज ब्रुकफी ब्रुक फील्ड कहां पर वाक था सिचुएटेड एक्चुअली इंग्लैंड इन इंग्लैंड फ़र्दर जगह कौन सी थी और किस तरह का माहौल था ये चीज़ें ब्रुक फील्ड ले बिहाइंड अ लाइन ऑफ एशियट एलम ट्रीज़ एलम के दरख्तों के पीछे वाक़ था इट लुक रेडिश ब्राउन अंडर इट्स क्री, आ, अटम क्रीपर और अपनी अटम क्रीपर में जो उन दरख्तों के ऊपर बेलें लगी होती थी उसमें ये रेडिश ब्राउन दिखाई देता था इट कंसटेड अ ग्रुप ऑफ एटीन सेंचुरी बिल्डिंग और एटीन सेंचुरी बिल्डिंग के तर्ज की इसकी बिल्डिंग थी दिस बिल्डिंग सेंटर्ड अपॉन अ क्वाड और ये क्वाड एंगल शेप की बिल्डिंग्स थी क्वाड एंगल शेप वो होती है जिसमें लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है ठीक है और इर्द गिर्द ऐलम के ट्रीज थे और उनके ऊपर क्रीपर की बेज थी वट वॉज सिचुएटेड बिहड ब्रुकफीड सॉरी बियॉन्ड ब्रुक फील्ड ब्रुक फील्ड के पीछे या दूर वाली साइड पर क्या चीज़ें वाक़ थी देयर वॉज डिपेंडेंट ब्रुक फील्ड विलेज वहाँ पर एक डिपेंडेंट ब्रुकफीड विलेज था एंड ओपन फैन कंट्री और एक दलदली इलाका था When was Brookfield established Brookfield was established in the region of Queen Elizabeth Queen Elizabeth 1 के दौर में Brookfield establish किया गया था Did Brookfield enjoy a good repute क्या एक अच्छी शोहरत को enjoy किया Brookfield ने There had been rise and fall in its luck इसकी किस्मत में rise fall नसीब और आते रहे हैं. It fell almost to non existence एट वन टाइम एंड इन्जॉय गुड रिप्यूट टू एन अदर एक वक्त में ये ऐसे लगता था जैसे इसका वजूद ही नहीं है दूसरे में एक अच्छी शहरत तो अप्स डाउन हर एक इंसान की जैसे ज़िंदगी हर ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह स्कूल के भी ये आते रहे हाउ एवर इट रिमेन अ गुड स्कूल फॉर सेकेंड रैंक तमाम ये सेकंड रैंक का बेहतरीन स्कूल गद्दाना जाता रहा वैन वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग और ब्रुक फील्ड रीबिल्ड एंड एक्सटेंडेड इस ब्रुक फील्ड बिल्डिंग का स्ट्रक्चर Uh, कैसे वाइड किया गया और एक्सटेंड किया गया ब्रुक का स्ट्रक्चर फर्स्ट जॉर्ज के पीरियड में रीबिल्ड भी किया गया और एक्सटेंड भी किया गया इन द रीजन ऑफ फर्स्ट जॉर्ज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग ऑफ ब्रुक वाज़ वॉज रीबिल्ड एंड एक्सटेंडेड क्वेश्चन नंबर सिक्स है जी हाउ वॉज द फेम रिप्यूट ऑफ द ब्रुक फील्ड आफ्टर द नपोलियनिक वॉर निपोलियनिक जो निपोलियन की जंगे थी इसके बाद इसकी रिप्यूट ये शहरत कैसी थी आफ्टर द द फेम ऑफ द स्कूल डिक्लाइंट डेफिनेटली जंग के बाद और एक लंबे अरसे तक रहने वाली जो निपोलियन की जंगे थी उसमें इसकी डिक्लाइन हो गई शहरत काफ़ी कम हो गई लेकिन बाद में जो प्रिंसिपल आया वैदर बाय वेदर बाय री स्टोर इट्स फेम उसने इसकी फेम को री स्टोर कर दिया बट डेटर इट को नाट राइज इट्स रैंक लेकिन बाद में वो अपने उस दर्जे पर ना आ चुका इट रिमेन अ गुड स्कूल ऑफ सेकेंड रैंक तम फिर भी ये सेकेंड रैंक का एक बेहतरीन स्कूल रहा क्वेश्चन नंबर सेवन है जी वट काइंडिड ब्रुक फील्ड सप्लाई किस किस्म के लोगों को मिस्टर ब्रुक फील्ड ने सप्लाई किया था यानी वहाँ से बच्चे पढ़ कर निकले थे इट्स जजेस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट क्लोनील एडमिनिस्ट्रेटर्स पीयर्स बायशॉप ये यानी पॉलिटिशियंस कलोनील एडमिनिस्ट्रेटर जहाँ पे ये कलोनीज होती थी ब्रिटिश की तो उनको एडमिनिस्टर किया करते थे पादरी वगैरह मोस्टली इट प्रोड्यूस मर्चेंट्स मैनोफेक्चरर्स स्क्यर्स एंड पार्सनस लैंड लॉड मैनोफेक्चरर जो फैक्ट्रियाँ कारखाने चीज़ें बनाते हैं और पादरी वगैरह ये इसने, इसने इस्टेबलिश किए थे यानी ये सारे वो बच्चे थे जो ब्रुक फील्ड से पढ़े थे और बाद में इन शोबों के अंदर गए थे वट डिड स्नोबिश पीपल से अबाउट ब्रुक फील्ड स्नोबिश थोड़े घमंडी से गरूर जो लोग करते हैं वो ब्रुक फील्ड के बारे में क्या कहा करते थे एज द रैंक ऑफ द स्कूल वॉज नॉट वेरी हाई जैसा कि स्कूल का जो रैंक था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था सम पीपल जो करूर करने वाले लोग होते थे दैट दे दे हैड देयरड अबाउट इट वो कहा करते थे कि हमने इस स्कूल के बारे में हाँ हाँ हमने सुन रखा है एक है स्कूल ब्रुक फिट ज़्यादा तोज्जो नहीं देते थे कररूर उनका होता था वाट वॉज सोशल एंड एकेडमिक स्टेटस ऑफ मिस्टर चिप्स मिस्टर चिप्स का सोशल और एकेडमिक स्टेटस क्या था चिप्स इन सोशल एंड एकेडमिक सेंस वॉज रिस्पेक्टेबल एकेडमिक और सोशल साइंस में मिस्टर चिप्स जो थे वो रेस्पेक्टेबल uh, थे बट ही वॉज नो मोर ब्रिलियंट दैन ब्रुक फील्ड लेकिन वो ब्रुक फील्ड से ज्यादा ब्रिलियंट नहीं थे यानी ब्रुक फील्ड भी सेकेंड रैंक का था और मिस्टर चिप्स भी सकेंड रैंक की एक मीडिया किस्म के इंटेलिजेंस रख रखते थे क्वेश्चन नंबर टेन है जी वॉज चिप्स एन एम्बिशियस टीचर क्या ये एम्बिशियस यानी अपनी ख्वाहिशात और एम्बिश रखने वाला टीचर था इन हिज़ अर्ली ट्वेंटीज़ अपनी अर्ली ट्वेंटीज़ में ही वॉन्टेड टू गेट अडशिप और अ सीनियर मास्टरशिप वो हेडशिप चाहते थे या सीनियर मास्टरशिप उस स्कूल की जहाँ पर वो पढ़ा रहे थे और उसके अलावा वो किसी फर्स्ट रैंक के स्कूल में टीच करने की भी ख्वाहिश रखते थे आफ्टर मैनी रिपीटेड फेलियर्स ही रियलाइज द अनफिटनेस ऑफ हिज क्वालिफ़िकेशन लेकिन बहुत ज़्यादा जो फेलियर्स थी रिपीटेड फेलियर्स के बाद उसने ये रियलाइज़ कर लिया कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है और डिसिप्लिन है ये अनफिट है इस तरह की जो एक पोस्ट है उसको लेने के लिए क्वेश्चन नंबर इलेवन है जी व्हाट वाज़ द इनएडिक्युएसी ऑफ चिस् क्वालिफिकेशन फॉर नॉट बीइंग एबल टू गेट अ सीनियर मास्टरशिप और हेडशिप क्या इन थी क्या चीज़ ना काफ़ी थी हिज डिग्री एंड डिसिप्लिन वाज द इन एडिकुएसी फॉर नॉट बींग एबल टू गेट मास्टरशिप उसकी जो डिग्री थी और डिसिप्लिन था क्लास में ये अच्छा नहीं था यही वो वजह थी इन एडिक्यूसी थी ना काफ़ी चीज थी जिसकी वजह से वो मास्टरशिप नहीं ले सकता था फर्दर ही हैड नो प्राइवेट मीन्स एंड नो फैमिली कनेक्शन ऑफ एनी इंपॉर्टेंस मजीद उसके कोई फैमिली कनेक्शन भी नहीं थी और कोई प्राइवेट मीन्स भी नहीं थे जिससे उसको तरक्की मिलती क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है जी वट डिड चिप्स रियलाइज क्वेश्चन नंबर uh, 12 है जी व्हाट डिड चिप्स रियलाइज इन 1880 अबाउट हिज स्टे एट ब्रुकफील्ड मिस्टर चिप्स ने क्या रियलाइज किया 1880 में जब वो ब्रुकफील्ड में रह रहा था अबाउट uh, 1880 आफ्टर हिज 10 इयर्स स्टे एट ब्रुकफील्ड 10 साल ब्रुकफील्ड में रहने के बाद ही बिगन टू सी हिज फ्लॉज़ उसने अपनी खामियां देखना स्टार्ट कर दी बट अबाउट दैट टाइम ही हैड बिगेन टू सूथ हिज माइंड और उसी असना में और उसी वक्त में उसने अपने जहन को भी पुरसकून रखना रखने की कोशिश की एट फोर्टी ही वॉज़ रूटेड सेटल्ड एंड क्वाइट हैप्पी और चालीस साल की उम्र में वो ब्रुक फील्ड के अंदर काफ़ी रूटेड हो चुका था काफ़ी सेटल हो चुका था और हैप्पी था क्वेश्चन नंबर थर्टीन जी वट वॉज चिप्स स्टेटस इन दाफ एट फिफ्टी स्टाफ में उसका क्या स्टेटस था पचास साल की उम्र में एट फिफ्टी ही वॉज अ डॉयन ऑफ़ द स्टाफ स्टाफ का वो डोन था हेड था वट वॉज चिफ स्टेटस एट ब्रुक फील्ड एट सिक्सटी में उसका क्या स्टेटस था राइटर लिखता है जी एट सिक्स वॉज इट सेल्फ ब्रुक फील्ड ब्रुक फील्ड का कोई भी फैसला उसके हुक्म के बगैर नहीं हो सकता था या उसकी मुशारत के वो इट सेल्फ ब्रुक फील्ड बन चुका था सिक्सटी की एज में ही वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट ओल्ड ब्रुक फील्ड डायन जो ब्रुक फील्ड से फारे को तहसील बच्चे होते थे उनके जो डिनर होते थे उसमें वो गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर जाया करते थे ही वॉज द कोर्ट ऑफ अपील इन ऑल मैटर्स अफेक्टिंग ब्रुकफी हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन ब्रुफीड की हिस्ट्री और ट्रेडिशन को मुतार करने वाले तमाम फैसलों के अंदर वो कोर्ट ऑफ अपील के तौर पर अपीयर होते थे नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है और ये लास्ट क्वेश्चन है वेन डिड चि रिटायर एंड वट वॉज प्रजेंटेड टू हिम ऑन द डे ऑफ हिज रिटायरमेंट इन नाइनटीन थर्टीन उन्नीस सौ तेरह एट द एज ऑफ सिक्सटी फाइव ही रिटायर्ड पैंसठ साल की एज में वो रिटायर हुए ही वॉज गिवन अ चेक एक चेक को ने दिया गया था अ राइटिंग डेस्क एक राइटिंग डेस्क जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स रखकर लिखा जाता है जैसे ये हमारे डेस्क होते हैं एंड अ क्लॉक वॉज प्रजेंटेड टू मिस्टर चेस एंड अ डिसेंट कैरियर वॉज डिसेंटली क्लोज और एक अच्छा कैरियर अच्छे अंदाज़ में क्लोज हो गया ही लेफ्ट ब्रुक फील्ड इन द अप रोलर ऑफ चेयर उसने तालियों की गूंज में ब्रुक फील्ड को छोड़ दिया